अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? मेरे बाल को इग्नोर करना, बिकॉज घर बालों में ना बहुत सारा ऑयल था, बोल के मैंने ये हेयर बैंड लगाई हूँ, उसको छोड़ दो। तो आज मेरे पीछे का पर्दा किधर गया? आप लोग सोच रहे हैं ना, कर्टन्स। तो मैंने कर्टन्स को हटा दी, क्योंकि कर्टन्स की वजह से मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही येलो येलो दिखता है, और प्रोडक्ट्स भी दिखाने के लिए तकलीफ हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वॉल का पेंट गंदा दिख रहा है, इट्स ओके, बट प्रोडक्ट तो क्लियरली दिखा पाऊंगी मैं आप लोगों को, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा चेंज कर दिया। ओके, और हाँ, मैंने आज ये थोड़ा सा अलग मेकअप किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी आप लोग बता देना कैसा लग रहा है। ओके, और ये लिपस्टिक का शेड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, ये पहले मैंने कभी ये शेड लगाया भी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है। अभी आप ही बताना ये शेड मुझ पर कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्पल हॉल शेयर कर रही हूँ, और पहले ही बता देती हूँ, हाँ, ये प्रोडक्ट्स रिव्यू के लिए आते हैं। पर्पल हमें पीआर पैकेज भेजता है, लेकिन एक एक प्रोडक्ट हम अपनी मर्जी से पसंद से मंगाते हैं, जो हमको चाहिए, जो हम यूज़ करेंगे, मतलब, तो वो एक एक प्रोडक्ट मैं चुन चुन के मंगाती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, और आज भी मैंने ना वो नए प्रोडक्ट में से ही मेकअप किया है, जो भी अभी आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ। ओके, ये सारे मेरे फेवरेट कलेक्शंस है जो मैंने मंगाई हुई, जो मुझे चाहिए था। इसमें से कुछ प्रोडक्ट आए नहीं, शायद स्टॉक में नहीं थे, तो बाद में मंगा लूँगी, बट अभी जो आया वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ये SQ की लिपस्टिक, जो मैंने अभी लगाई है, मिनी लिपस्टिक, जो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। देखिए, बड़ी वाली SQ की लिपस्टिक 400 रुपीज़ वाली, ये मेरे को ना ये उससे भी अच्छी लगी, ये 200 रुपीज़ की है मिनी लिपस्टिक। ये खोल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसकी पैकेजिंग देखिए आप कितनी अच्छी है। इसका नाम है मिनी SQ, सबके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं शेड के साथ, ये 30 है, ये 9 है, शेड के साथ नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे पीछे बॉक्स के ऊपर, लफेट प्रिंट है, हाँ आई थिंक लफेट प्रिंट है ये बॉक्स के ऊपर भी। और बॉटल देखिए, बॉटल कितनी क्यूट है। तो ये लिपस्टिक मेरे पास 7 या 8 लिपस्टिक आई है, तो मैं इसकी ना अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इसके स्क्रैचेस शेयर करूंगी। थोड़ी सी शाइनी है ये लिपस्टिक, मतलब प्रॉपरली मैट नहीं बोल सकते आप, देखिए थोड़ा सी शाइन है इसके अंदर, अलग ही ग्लॉसी है। ग्लॉसी कैसे बताऊँ मैं आपको, बताती हूँ, ग्लॉस टाइप, मतलब मैट तो है ही, प्लस इसमें एक अलग ही शाइन है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और 200 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें बहुत सारे शेड है, मैं इसके स्क्रैचेस आप लोगों को दूसरे अलग वीडियो में दिखाऊंगी। ओके, तो ये अलग साइड में चला गया। साथ में मैंने एक मंगाया है लिप बाम निविया का, जो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ ठंडियों में अक्सर, तो मैंने एक ये मंगा लिया है, और ये ड्राई होने के बाद मैं बताती हूँ इसका लुक। और साथ में मैंने ये SQ की एक वाइट वाली काजल मंगाया, वाइट वाला, ये वाटर लाइन पे लगाने के लिए, तो मैंने ये मंगा लिया एक। और ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सारों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर्पल पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50% कोई प्रोडक्ट बाय वन गेट वन है, 50% ऑफ है, हर ब्रांड पे अलग अलग ऑफर चल रहे हैं, 30%, 40%, 50% बाय वन गेट वन, आप चेक कर लेना। ओके, और एक ये मंगाया मैंने SQ का लाइन वेट एंड वाइल्ड का लाइन, ये मस्करा है, वेट एंड वाइल्ड का मस्करा है। पहले मैं मस्करा ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, आप लोगों को पता है अच्छे से कि मैं मस्करा नहीं लगाती थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम पर्पल का मस्करा मंगाया था, वो मुझे इतना अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, मस्करे अच्छे भी होते हैं यार, इतना हैवी हैवी फील नहीं होता, तो मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का भी मंगा लिया, ताकि मैं ये भी चेक कर सकूँ कि ये कैसा है, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाई है यहाँ पे NYB की लिप क्रियॉन। अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, पता है, मैंने ना ये शेड नंबर 10 ये वाला, ये मैंने सबसे पहले जब पर्पल से शॉपिंग की थी ना, सबसे पहले अगर मैंने कोई चीज़ मंगाई थी ना, तो 2 प्रोडक्ट मंगाए थे, एक सीरम गुड वाइब का सीरम मंगाया था, जो मैंने अभी वापस मंगाया, और एक ये NYB की लिप क्रियॉन बाय करके मंगाया था खुद से, तो ये मुझे इतनी पसंद थी, लेकिन उस्माने की लिपस्टिक का क्या हाल किया मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए, ये नई वाली मैंने अभी मंगाई है, ये शेड नंबर 10 फोकस भी नहीं करता है, और ये मेरी पुरानी वाली शेड नंबर 10, इसका हालत देखिए कैसा हो गया है। अभी जाके मैंने ये वापस मंगाई, क्योंकि ये छोड़ती ही नहीं है उस्मा, तो मैंने बोला चल ठीक है, तू इससे खेल ले भाई, मुझे ये पसंद है, तो मैंने ये रिटर्न मंगाई, बहुत अच्छी 89 रुपीज़ में, और क्या चाहिए मुझे, 89 रुपीज़ में मिली थी, और अभी भी इस पर डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो आप चेक कर लेना। ओके, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, निकलने के बाद भी निकलती नहीं है, मतलब ऐसा एक शेड रह जाता है। अगर मैं ये पर्पल कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, ये जामनी कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, तो 6 घंटे बीतने के बाद भी मेरे लिप्स पर्पल दिखते हैं,
तो ऐसा, इसलिए मैंने इसके अंदर चार शेड मंगा दिए है। आसपास के ही शेड है, लाइट डार्क शेड है। देखिए ये 30 नंबर है, ये सबसे डार्क वाला, ये ब्राउन शेड है 13, और ये है 7, और ये है 10, जो मेरा फेवरेट शेड था। अब मेरे को ये डार्क वाला ट्राई करने का, क्योंकि मेरे को डार्क शेड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने ये चार मंगा लिए हैं। इसके स्क्रैचेस दे दूँ क्या मैं अभी के अभी आप लोगों को? पैक है अभी, मैं बाद में इस पर वीडियो बना दूंगी। लेकिन सबसे बेस्ट लिप क्रियोन अभी तक के मुझे लगे हैं तो NYB के, और लिपस्टिक SQ की लिक्विड लिपस्टिक पे है तो मैं तो फिदा हूँ, तो ऐसा। और साथ ही साथ मैंने मंगाया है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन, देखिए जो कि मैंने आज लगाया है। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी स्किन से डार्क है, क्योंकि मैंने अप्लाई तो किया। आप लोग मुझे बताना ये मेरे स्किन से डार्क है या प्रॉपर जा रहा है, आप लोग बताना, क्योंकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। मैं जब आईने में देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा डार्क है। बाकी लगाने के बाद कवरेज देखिए मेरे फेस पे कितने अच्छे से दिया, बहुत अच्छा फ्लॉलेस स्किन देता है। मतलब थोड़ा सा शाइनी जैसा मैट फिनिश बोल सकते हैं, लेकिन मैट होके भी डूई फिनिश बोलते हैं ना, जो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शाइन करता है। तो ये शेड है मोचा मोका है। मुझे थोड़ा सा डार्क लगा, अभी आप लोग बताइए मेरे फेस पे ये कैसा लग रहा। तो एक मैंने वो मंगाया, और जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया मैंने पर्पल का मस्कारा मंगाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसका लिक्विड आईलाइनर भी मंगा लिया है साथ ही साथ। तो और मैंने इसका ना काजल भी मंगाया था, लेकिन काजल शायद से आउट ऑफ स्टॉक था तो उन्होंने नहीं भेजा। बहुत अच्छा काजल था, वो आता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताती थी। मुझे अच्छे से याद है मैंने मंगाई थी, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से जेल आईलाइनर है, इसकी टिप है ना थोड़ी कड़क टाइप है, कड़क मतलब समझ रहे ना, पेन जैसी है, मतलब स्ट्रेट, लेकिन ठीक है, ओके। मुझे ना ऐसे टिप के लाइनर इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते मुझे, वो जो कैसे बताऊँ मैं, ये पेन जैसा नहीं कि स्केच पेन जैसी इसकी वो है टिप है कड़क, मेरे को ऐसे कड़क वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते। मुझे वो ब्रश वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, जो ब्रश फ्लेक्सिबल होते हैं ना, जैसे लैक्मे वगैरह का, जैसे मैं अभी SQ का बताई थी आप लोगों को, तो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद आते हैं, ये स्केच पेन जैसा है। साथ ही साथ मैंने ये मंगाया लिप ग्लॉस लोटस का, तो इसके बारे में मैं ये बोलूँगी कि मुझे अच्छा तो लगा। पहले भी मैं लगाती थी लोटस के लिए, ये जब मैं जॉब पर जाती थी लोटस के ग्लॉसेस मुझे बहुत पसंद है बहुत, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा ठीक है, मतलब स्टिकी है बहुत, मतलब 10 घंटा भी आपके लिप पे रहेगा और आपके लिप मॉइस्चराइज रहेंगे। जिसको आदत है ना ग्लॉस लगाने की, जो कंटिन्यूसली लगाते हैं वो इजीली ये कैरी कर सकते हैं ठंडियों में। लिप्स पे लिप्स मतलब कैसे बताऊँ मैं, ये लगा के छोड़ दो, आप खाओ पियो कुछ भी करो ये रहता ही है लिप्स पे, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा स्टिकी ऐसा लग रहा है। तो ऐसा मैं जो भी है जेन्युइन आप लोगों को बता रही हूँ, बाय करना नहीं करना आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मेरी फेवरेट है, जो मैं आप लोगों को बताई थी NYB का, वन सेकेंड बताती हूँ, NYB का ये कॉन्टोर कंसीलर फाउंडेशन स्टिक, ये वाला जो मैं ज़माने से यूज़ कर रही हूँ, टूट चुका है वो अभी फ़िलहाल। तो मैंने सेम यही और एक एक मंगाया है, सेम टू सेम आलमंड वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने मंगाया है टॉफी, ये देखिए ये है आलमंड वाला, सेम मंगाया मैंने ये, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो टूट गया और उसकी कोई गारंटी नहीं वो कब तक रहेगा, क्योंकि हमारी उसमें ये ड्रॉर बार बार खुलती रहती है। तो मैं ये अपने लिए मंगाई हूँ और एक एक आलमंड वाला, और उसके साथ साथ मैंने टॉफी शेड भी मंगाया थोड़ा अपनी स्किन से एक्जैक्टली मैच, क्योंकि इससे आप करेक्टिंग भी कर सकते हैं, आपको अगर स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं ना तो उसको करेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। मुझे तो सही बोलूँ ना, सही मानो मैं, मैंने ये मंगाया तो सही है वेट एंड वाइल्ड का, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये स्टिक वाला अच्छा लगा था। स्टिक फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया ना, तो ना तो इसको ब्लेंड करने के लिए स्पॉन्ज की ज़रूरत है ना ब्रश की ज़रूरत है, सीधे सीधे अपने फिंगर से अप्लाई हो जाता, तो मुझे ये तो बेस्ट लगा था। उसके बाद अगर मुझे कुछ बेस्ट लगा है तो ये लगा, लेकिन ये बहुत डार्क लग रहा है मेरे स्किन पे, और ये दोनों भी बहुत अफोर्डेबल। ये कितने का, मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ, सबसे सस्ता है 115 रुपये का MRP है। आप इसको डिस्काउंट में बाय करोगे तो और भी सस्ता मिल जाएगा। और वेट एंड वाइल्ड का ये है 400 का, सुनती हाँ 400 का, आप प्राइस चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ऐसा, और साथ ही साथ मैंने मंगाई थी, आप लोगों को सब बताती हूँ, जो जो मुझे पसंद था ना मैंने सारी चीज़ें मंगाई हूँ। अभी इधर से लिपस्टिक गायब हो गई, वन सेकेंड। हाँ जी, तो वो ब्राउन वाली लिपस्टिक जो मैं लगाती थी, देखिए ये वाली NY रनवे,
ये लिपस्टिक मेरे पास डार्क वाली थी ना, ये ब्राउन वाली, आप लोग बोलते थे बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा डार्क है, तो मैंने अभी इसके अंदर ही सेम दो और शेड मंगा लिए हैं, ये वाले। इससे तो लाइट ही है, मैं खोल के दिखाऊँ आप लोगों को क्या है, ये देखिए इससे तो लाइट ही है, लेकिन मुझे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी थी करके मैंने इसमें शेड मंगाया है। मैं लगाती हूँ, देखो अक्सर, ये देखिए ये शेड, ये देखिए इसके सामने तो ज्यादा ही लाइट है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसके लिए मैंने ये मंगा लिया। दो शेड मंगाए हैं मैंने, बता दूं आप लोगों को कौन से दो शेड है, तीनों बता देती हूँ, पहले कौन सा था और अभी कौन से दो शेड है। ओके, ये देखिए ये सूख चुकी है, मस्त शाइनी शाइनी सा वो है, पूरा बर्तन धो ली थी मैंने ये स्क्रैच करने के बाद, फिर भी वो नहीं गए, इतना स्ट्रांग है वो। ऐसे बोलती हूँ मैं, मेरा बोलने का तरीका ऐसे ही है, बहुत भारी है वो लिपस्टिक। हाँ नहीं तो क्या, तो देखिए मैं बता रही हूँ आप, ये एक शेड है और ये दूसरा शेड है, आसपास का एक शेड है, ये पिंक शेड है, ये मरून शेड है, और जो मेरे पास पहले था वो ब्राउन था, ब्राउन, ये देखिए मैंने आसपास के ही शेड मंगाए, मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो ये जो पिंक वाला है, ये पिंक वाले का नंबर है, मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। इतना बारीक लिखा हुआ है, मैं दोनों के भी, मतलब जो अभी नए ली ना, वो दोनों के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, मैं जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेक करके, ओपन करके चेक कर लेना, अगर आप लोगों को बाय करना है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रही बात इसकी, और उसके बाद मैंने मंगाई हुई ये आईब्रो पेंसिल। देखिए मैंने आज आईब्रो बनाई हूँ, लेकिन नेचुरल लुक आ रहा है, ऐसा आर्टिफिशियल जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, नेचुरल आ रहा है। और ये जो है ना, ये मेरा जो कटा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको पूरा नहीं ढकती क्योंकि थोड़ा नेचुरल लुक आना चाहिए इसके लिए। तो ये देखिए, ये ऐसी वो आती है ब्राउन कलर की आईब्रो का जो भी है क्रीम, इतना है अंदर वेट एंड वाइल्ड का, ये देखिए इतनी अच्छी क्वांटिटी है, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। और उसके बाद पेन जैसा, और दूसरी साइड है ये ब्रश, क्या बोलते हैं, स्पूली बोलते, स्पूली स्पूली, वाओ ये अच्छा है, इसके लिए अलग से ब्रश लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये बाय कर लिया वेट एंड वाइल्ड का, क्या क्रियोनस, चलो ठीक है लिंक में दे दूंगी। तो ऐसा है, ओके, मैं को ना बड़ी बेसब्री होती है, कुछ भी मेरे पास आया ना तो आप लोगों को बताने की बड़ी बेसब्री होती है, तो मैं प्रॉपर उसका नाम भी वो इतना कुछ पढ़ती विड़ती नहीं हूँ, ऑल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जब आप लोगों को उसके ऊपर प्रॉपर रिव्यू चाहिए होता है तो उसकी मैं डॉक्टरी करती हूँ, मतलब फिर उस पर रिसर्च करती हूँ क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या फ़ायदे है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप मानोगे, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैंने ना यूज़ करके देख भी ली, जैसे कि ये लिपस्टिक मैंने यूज़ कर ली, ये फाउंडेशन मैंने यूज़ कर लिया, ये आईब्रो पेंसिल मैंने यूज़ कर ली, क्रेयॉन मैंने यूज़ कर लिया, सब मैंने मेरी मंगाई हुई चीज़ें तो मंगाई हुई, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ की वो मैंने मंगाई हूँ, और जो नहीं यूज़ किया है वो अभी मंगा के मैंने यूज़ कर लिया, मतलब देख रहे हो आप, है ना। तो ऐसा, और साथ ही साथ अभी मैं बात करती हूँ, मैंने ये मंगाई हूँ मेकअप रिमूवर का, और मेकअप के लिए वो जो होता ना, क्या बोलते उसको, बेला कॉटन केयर, बेला का, लेकिन वो नहीं आया, क्या बोलते, मेकअप रिमूवर नहीं आया, आएगा रस्ते में, ठीक है। और उसके बाद मैंने मंगाया बाबू के लिए ये नोआ का ट्रिमर, बाबू ने ट्राई भी कर लिया, बाबू को अच्छा भी लगा, जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे दिखा रही हूँ, बाबू को ये बहुत अच्छा लगा। 400 रुपीस का है, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीस का। अभी रियाज को भी चाहिए, रियाज के लिए भी मंगाना है, बोला उसने मुझे, आपा भाई जान को अकेले अकेले दे दी, मेरे को नहीं देगी, तो मैं बोली अच्छा देती हूँ, मतलब मेरा भाई। ओके चलिए अभी बात करती हूँ, ये लैक्मे का लूज पाउडर 925, मेरे को सर्दी हो गई है उसको माइंड मत करना, इन्फ्यूज विथ एक्चुअली ट्रांसलूशन पाउडर की जैसे भी यूज कर सकते, इसकी फिनिश इतनी ऑसम लगी मुझे, ना प्राइमर लगाओ, ना क्रीम लगाओ, ना बीबी क्रीम लगाओ, ना कुछ करो, आप सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ, उसके बाद ये सिंपली टैप कर लो अपने फेस पे, अलग ही फिनिश आ रही है, इससे अलग ही फिनिश आ रही है। ये इसके साथ एक ये भी दिया हुआ है, मैंने ये खोल दी ना, मैंने ये यूज़ की ना, इसके लिए देखो ऐसा हो, थोड़ा वो हो गया, तो ऐसा क्वांटिटी भी बहुत सारी है, बहुत अच्छा लगा, इसकी पैकेजिंग, इसकी शाइनिंग, पाउडर भी बहुत अच्छा लगा, मटेरियल प्रोडक्ट जो भी है वो भी बहुत अच्छा लगा, देखो जो सही है तो सही है। गुड वाइब का चारकोल फेस मास्क, दूसरा
मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैं हाईलैशेस नहीं लगाती, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं हाईलैशेस लगा के एक बार ट्राई करती हूँ। देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करेंगे अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैंने ना ये ग्लू मंगाई हूँ आईलैशेस के लिए, ग्लू ठीक है, और साथ में आईलैशेस मंगाया मैंने एक, ये कौन सा है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट कॉस्मेटिक का है, टेपर्ड लैश ठीक है, मैंने ये मंगाया है, जब लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर। वीडियो लंबा आ रहा है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो साथ में यहाँ मैं अभी बताती हूँ, मेरा फेवरेट आ गया आरोजिप सीरम, जो कि मैं लगाया करती थी लास्ट सर्दियों में। आप लोगों ने भी मुझसे बहुत क्वेश्चन किया था इंडियन ब्लॉगर नाजर शेख पे कि आप कौन सा सीरम लगाते। तो फाइनली अभी मैं बता सकती हूँ, मैं ये वाला सीरम लगाती थी, बट तब मैं 5 ml का मंगाती थी, 15-20 दिन वो चलता था, महीने भर भी चल जाता था, क्वांटिटी बेस्ड ऑन योर जितना आप ले रहे हो। तो ऐसा आप जितने बार आप दिन में लगाते हो उस हिसाब से वो चलता था। तो 5-5 ml करके मैंने लास्ट ठंडी में 3 बार वो बॉटल मंगाई थी, बट इस बार मैंने ना एक 10 ml का मंगा लिया तब साथ में ही, कि मुझे ठंडी में तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी बाबा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा, जितने सीरम मैंने अब तक के यूज़ की ना ठंडी के लिए तो बेस्ट सीरम है ये, एक अलग ही ग्लो आ जाता है, कोई हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है लगा के। लगाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि मैं ये रोज़िप सीरम गुडवाइफ के कौन से सीरम की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक और मंगाया गुडवाइफ का ही, विटामिन सी वाला B3 का स्किन ग्लो सीरम, ये मैंने मंगाया है, लगा के देखूंगी अगर अच्छा लगेगा तो आप लोगों को बताऊंगी, बट इसकी तो मैं आग बन करके तारीफ कर सकती हूँ, अगर बाय करना है तो एनी टाइम आप बाय कर सकते हो, मैं फुल रिकमेंड करूंगी ये प्रोडक्ट आप लोगों को। उसके बाद बात करते हैं स्किन केयर में, मैं यूज़ कर रही थी टी ट्री के गुडवाइफ के प्रोडक्ट, जैसे कि फेस वॉश हो गया, जैसे कि स्क्रब हो गया, जैसे कि मास्क हो गया, जैसे कि समझ गए ना। हाँ, तो पहले मैं टी ट्री के यूज़ कर रही थी और मुझे बहुत अच्छे लगे थे। देखिए स्किन केयर प्रोडक्ट मैं जल्दी चेंज नहीं करती, क्योंकि मुझे अपनी स्किन के साथ रिस्क लेने का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे फेस पे एक भी पिंपल नहीं है, मुझे ऐसी ही स्किन अच्छी लगती है, भले मैं काली हूँ चलेगा, मुझे गोरे होने का भी कोई शौक नहीं है। तो ऐसा है, तो मैं टी ट्री यूज़ कर रही थी, मैं बदलती नहीं अगर ठंडी का मौसम नहीं आता, क्योंकि ठंडी मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए, और पपैया ठंडी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा से कच्चे पपैये होते हैं ना जो हम लोग खाने के लिए लाते हैं, वो भी अप्लाई करती हूँ फेस पर, ठंडियों के मौसम में बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए, स्किन ड्राई नहीं होती। तो उस वजह से मैंने ये पपैया मंगा लिया है, अभी मैं यही यूज़ करूँगी, और गुडवाइफ के प्रोडक्ट पर इसलिए ट्रस्ट हो गया ना, ये पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, नो सल्फेट वगैरह, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है इससे, इसलिए मैं मंगा लेती हूँ। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि पूरा फेशियल किट अगर आप बाय करना चाहते हो तो पपैया, टी ट्री, बहुत सारे ऑप्शन है आप बाय कर सकते हैं, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो ऐसा है, ओके। तो स्किन केयर मैंने ये लिया, ये मतलब ठंडी के लिए, और अभी बात करते हैं हेयर केयर की। तो हेयर केयर में आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोकोनट ऑयल और क्या बोलते हैं अपना ऑनियन का जो वाटर होता है अपने हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्पफुल होता है, बट अपने पास इतना टाइम कहाँ है कि मतलब कांदा काटो, पीसो, उसको निचोड़ो, उसका पानी निकालो, फिर बाल में लगा लो, फिर वेट करो, फिर नहाओ, उतना मतलब नहीं होता है। तो मैंने सोचा था कि अब करूँगी, लेकिन अब करूँगी, कांदे महंगे हो गए, ऑनियन महंगा हो गया, अब नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सीधे सीधे ये मंगा लिया, मुझे ये दिखा तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ये है ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, ऑनियन की मतलब ऑनियन भी है इसके अंदर, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या इंग्रेडिएंट है मैं बताऊँ आप लोगों को, इंग्रेडिएंट की लिस्ट है ना बड़ी लंबी है यहाँ पे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, मोरोक्कन आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑनियन सीड्स, ब्लैक सीड ऑयल, मतलब सारे ऑयल का मिश्रण है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हेयर फॉल से बचाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, एवरीथिंग इज इन दिस प्रोडक्ट। बट मैं इसकी तारीफ इसको यूज़ करने के बाद करूँगी, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट मुझे चाहिए था इसलिए मैंने मंगा लिया, ओके। और साथ ही साथ मैंने ये वेट एंड वाइल्ड की है ना कॉन्टोर पैलेट मंगाई हूँ, कॉन्टोर करेक्टर एंड कंसीलर पैलेट है छोटी सी मिनी वाली, ये देखिए कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट है। एक ये मंगाई हूँ, इसके अंदर एक छोटू सा ब्रश है, ये देखिए एक छोटू सा ब्रश है। तो ऐसा है, ये थोड़ा लाइट है मेरे शेड से, मेरे शेड पर नहीं जाएगा, मेरी स्किन पर नहीं जाएगा, दिखेगा भी नहीं, मुझे डार्क वाला चाहिए तो मैं डार्क वाला मंगाऊंगी, ओके। और फिर मैंने ये मंगाया एक कंसीलर, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर है, ओके, ये मेरे फेस पे अभी लगा हुआ है। और फिर इसके बाद लास्ट
सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब का स्क्रब। लास्ट मंथ मंगाई थी मैंने, लेकिन स्टॉक में नहीं होने की वजह से लास्ट मंथ में नहीं आया था, तो इस टाइम आया है। बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। कितने का है पता है ये स्क्रब? ओनली 125 रुपीज। ये तो सिर्फ MRP है, इसको आप ऑफर में बाई कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप आई शेडो पैलेट। बताऊ इसकी खूबसूरती, इसकी ब्यूटी, ये देखियो, वाओ ये देखिए क्या का मैट फिनिश है, बॉक्स की बॉक्स ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ओ वाओ, सारे शेड है इसके अंदर, सारे शेड बहुत अच्छा है। अब जितने सारे प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया, इसमें से आपको स्पेशल रिव्यू, स्पेशल वीडियो किस पे चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसके वीडियो। बट अभी कोई प्रोडक्ट अगर आप लोगों को बाय करना है तो चेकआउट कर लेना, पर्पल पे वेडिंग सीजन सेल चल रहा है, 50% ऑफ है और अलग अलग बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, चेक कर लेना, बाय कर लेना। ओके, वीडियो को लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब करना। बस इतने ही प्रोडक्ट थे, आगे आने वाले कोई भी वीडियो जैसे भी आपको चाहिए रिक्वेस्ट करना, मैं ज़रूर से बनाऊंगी। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना।